क्या आप जानते हैं चाइना में आसमान से कीड़े गिरे हैं, यानी आसमान से कीड़ों की बारिश हुई है। तो ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि जब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर बनी इसराइल की तरफ भेजा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को ईमान की दावत दी तो ये लोग नहीं सुधरे, बल्कि अपनी सरकशी पर कायम रहें, बुत परस्ती करते रहें, एक दूसरे पर जुल्म करते रहें और काला जादू करते रहें और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए और हराम काम में मुलव्विस रहें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह के अज़ाब से डराया, मगर ये लोग फिर भी नहीं सुधरे। तो अल्लाह ने कौम बनी इसराइल पर तीन अज़ाब नाजिल कर दिया, मेंढक का अज़ाब, टिड्डियों का अज़ाब और कीड़ों का अज़ाब। ये सब इनके फसल को तबाह बर्बाद कर देते और जिस्म में घुसकर लोगों की जान ले लेते। तो इन्हीं तीन अज़ाब में से एक अज़ाब था कीड़ों की बारिश, जो कि फिर से कुछ दिन पहले चाइना के एक शहर में कीड़ों की बारिश हुई, जो कि एक तरह से अल्लाह का अज़ाब है। ये सब क़यामत की निशानी है, एक बड़े अज़ाब की तरफ इशारा कर रहा है कि अभी वक्त है, अपने रब की तरफ लौट आओ और तौबा कर लो, वरना वो वक्त बहुत करीब है जब तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और एक के बाद एक अज़ाब नाजिल होना शुरू हो जाएगा। तब अफसोस करने और रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें।